नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भोजपुरी के हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का आदिशक्ति फिल्म के बाद जिस तरीके से ब्लू बीट भोजपुरी का होली का गाना ट्रेंड कर रहा था, उसके बाद एक नया धमाकेदार प्रस्तुति खेसारी लाल यादव का हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होली के कबूतर। होली के कबूतर गाने को आज सुबह 7:15 पर रिलीज किया जाना था और ये गाना अन्नपूर्णा फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाना था और फाइनली जो है इस गाने को रिलीज कर दिया गया है। और रिलीज होते ही ये गाना तबाही मचाने लगा है और जिस तरीके से तीसरे गाने पर लोगों का प्यार मिल रहा है, उसको देखकर तो यही लगता है कि ये गाना भी इस बार का सबसे बड़ा होली का गाना होने वाला है। काफी ज्यादा देसी अंदाज में, फनी अंदाज में और जो होली का हुड़दंगई होता है उसी अंदाज में इस गाने को गाया गया है और शायद यही वजह है कि इस गाने को दर्शक लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, बात करूं तो होली के कबूतर गाने को खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका ने इस गाने को गाया है और जो गाना का अंदाज है पर्सनली मुझे काफी ज्यादा बेहतर लगा है। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ तो खेसारी लाल यादव के साथ इस गाने में रितु चौहान कमाल की अभिनेत्री है जो इस गाने में नजर आई है और जिस तरीके का खेसारी लाल यादव और उनके कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा कमाल का है। जी हाँ, बात करें तो इस गाने को खेसारी लाल यादव के दबंग राइटर कहे जाने वाले अखिलेश कश्यप ने लिखा है। छोटू रावत इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और शुभम तिवारी इस गाने के म्यूजिक कंपोजर हैं। तो अन्नपूर्णा फिल्म पर इस गाने को रिलीज कर दिया गया है। होली के कबूतर गाने को जाइए सुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि गाना कैसा लगा। अगर आपने ऑलरेडी सुन लिया है तो भी हमें बताएं कि आखिरकार खेसारी लाल यादव का गाना कैसा लगा। ये अपडेट था, मुझे लगा बताना चाहिए, तो कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।